हेलो एवरीवन, सो आज हम शेयर करेंगे कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। वैसे तो कोल्ड कॉफ़ी इजी होती है, घर में हर कोई बना लेता है, बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो बहुत ही यम बनेगी। सो पहले हम ये ग्लास को इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम ग्लास ले लेंगे, जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग। हम तीन थे तो मैंने तीन ग्लास ले लिया, और ये चॉकलेट सिरप ले लिया, वो इस पे लगा दिया है ऊपर के साइड में। और अब थोड़ा सा और अब इसके ऊपर जो चॉकलेट लगा है उसके ऊपर थोड़ा थोड़े स्प्रिंकल लगा देंगे, तो इससे डेकोरेशन बहुत, ये देखो इतना अच्छा दिख रहा है। और अंदर चॉकलेट सिरप डाल दिया है मैंने। सो बस ये ग्लास रेडी हो गया, अब हम कॉफ़ी की तैयारी करते हैं। सो यहाँ मैंने ले लिया एक लीटर का दूध पैकेट और चॉकलेट सिरप और कॉफ़ी नेस्कैफे कॉफ़ी है और आइसक्रीम। सिर्फ ये चार चीज़ें ही लगेगी। और यहाँ पे मैंने जग ले लिया है, एक्चुअली मैं कोल्ड कॉफ़ी ब्लेंडर से बनाऊंगी। आपके यहाँ अगर ब्लेंडर नहीं है, मिक्सर है, तो आप मिक्सर में भी बना सकते हैं कोल्ड कॉफ़ी। सो ये मैंने जग में पहले चीनी डाल लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, तीन लोग हैं इसके हिसाब से। मैंने 6 चम्मच शुगर डाला है। सो इसके बाद मैं अब कॉफ़ी डालूँगी, कॉफ़ी पाउडर। पहले शुगर डालना है, फिर कॉफ़ी पाउडर डालना है, और इसमें लगेगा थोड़ा सा पानी, और इसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पहले। तो इसको अगर ब्लेंड कर लेंगे तो इसका देखो कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो जो ये कलर चेंज लाइट ब्राउन हुआ है ना, इसी से फ्लेवर आता है। पहले अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे ना, तो कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी मार्केट जैसी बनती है। सो ये हम बहुत देर तक, जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक ब्लेंड करेंगे। और इस टाइम में अगर आपको आइस लगता है तो आप थोड़ा सा आइस भी डाल सकते हैं। और बस इसको 5 मिनट के लिए हमें ब्लेंड करना है। सो अब ये देख लीजिए, अच्छे से फैन हो चुका है जो कॉफ़ी, मतलब ये अच्छे से हो चुकी है मिक्स, सब चीज़ हो गया है। सो अब हमें यहाँ पे दूध डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी और डाला था। और बस ये कॉफ़ी को एक बार मिक्स कर लेंगे, एक बार और 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस इसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसको फिर से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है दूध डालने के बाद, और बस फिर कॉफ़ी बनके रेडी हो जाएगी। इसके बाद आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आइसक्रीम से सर्व कीजिए, चॉकलेट सिरप डालिए, चाहे चोको चिप्स डालें, जो आपका मन मर्जी हो वो डाल सकते हैं। सो यहाँ मेरी रेडी हो गई कॉफ़ी, अब मैं इसको ग्लास में डाल देती हूँ। सो ग्लास में कॉफ़ी डालने के बाद मैंने ऊपर से इसमें आइसक्रीम डाला, वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम डाला, आप चॉकलेट वाली भी डाल सकते हैं इस पे। और सो यहाँ मैंने आइसक्रीम तीनों कप में डाल दिया। अब आइसक्रीम के बाद हम डालेंगे स्प्रिंकल बॉल्स, वो इसके, ये ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, और कुछ स्प्रिंकल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, हर्षी का चॉकलेट सिरप है मेरे पास, आप कोई भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। बस मेरी कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी मार्केट जैसी लग रही है। सो कैसी लगी आपको मेरी ये कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।